अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, सुबह के बज रहे हैं 11 और यहाँ पे हम व्लॉग बना रहे हैं। और आज ये छोटा सा व्लॉग मैं बना रही हूँ और ये किसी खास मकसद के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप पहले देखें जी जन्नत फातिमा को, और जन्नत फातिमा को हमने रात को जो है गंजा करवा दिया था। ये देखें जी जन्नत, जन्नत फातिमा रात को जो है वो गंजी हो गई थी, और इनके पापा ने इनको गंजा किया था। और माशाल्लाह जी गंजी होके मेरी बेबी बहुत क्यूट लग रही है। जन्नत जन्नत, तो ये जी हैं जन्नत। और इसके बाद अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, अपनी शादी के हवाले से कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा। और वो तस्वीरें दिखाने का मेरा क्या मकसद है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे जी मनाहिल फातिमा लेटी हुई है और ये फीडर मांग रही है, और मनाहिल को मैं अभी फीडर बना के देने लगी हूँ। मनाहिल फीडर पीना है? ओए ओए ये क्या हो रहा है? ओए ओए ये क्या कह रही है मनाहिल? मनाहिल ये क्या गल है? ओए ओए चलो मम्मा आपको फीडर बना के देती है जी। ये वीडियो मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाई थी इस कुशन की। ये कुशन है, ये मेरी थर्ड एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने बनवाया था, और इसमें हमारी शादी की तस्वीरें जो है वो भी उन्होंने सबमिट करवाई थी। ये देखें जी, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, और ये 3 साल की अरुज है, ये मेरी फर्स्ट बेटी है। और ये शादी की ही तस्वीरें हैं। ये जब मेरा निकाह हुआ था उसके बाद हम स्टेज पे आके बैठे थे, तो ये तस्वीरें, असल में 12 साल पहले तस्वीरों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये तस्वीरें भी इत्तेफाक से हमारे किसी रिश्तेदार ने बनाई थी। हमारी शादी में कोई तस्वीरें नहीं बनी थी, ना कोई मूवी वाला आया था, तो ये हमारे किसी रिश्तेदार ने बनाई थी, उन्होंने फिर ये तस्वीरें हमें दी थी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें जी, ये मेरे फादर बैठे हुए, ये मैं हूँ, ये आरिफ है, और ये मैं हूँ, और ये मेरे हस्बैंड, ये हमारी शादी की तस्वीरें हैं। बाकी आपको और दिखाती हूँ, जब मेरी रुखसती हो रही थी उसकी भी तस्वीरें हैं। देखिए जी, यहाँ पे मैं रुखसत हो रही थी, पीछे मेरे फादर खड़े हैं, मेरी बड़ी सिस्टर खड़ी है, और वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर खड़ी है। तो ये मेरी रुखसती जब हो रही थी, ये तब की तस्वीर है। यहाँ पे मेरे फादर और मेरे हस्बैंड बैठे हुए निकाह के बाद, और उसके बाद मुझे स्टेज पे लाया गया था। और ये तस्वीर पीछे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की है, जब अरुज 3.5 साल की थी, और फर्स्ट टाइम हमने अरुज को स्कूल दाखिल करवाया था, और ये स्कूल के कपड़ों में ही है। तो ये शादी की तस्वीरें आज दिखाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कुछ लोगों ने मेरी शादी को बोला है कि ये कैसे हो सकता है, आप कश्मीर की हैं, वो गिलगित के हैं, आपकी शादी कैसे हो गई? तो मेरी शादी बेसिकली इस तरह हुई थी, मेरे हस्बैंड की तरफ से ये लव मैरिज थी, और मेरी तरफ से ये अरेंज मैरिज थी। हम एक जगह जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया था और रिश्ता भेजा था, लेकिन मेरे ससुर जो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड की बहुत ज़िद थी कि मुझे यहीं शादी करनी है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे करनी है तो करनी है तो करनी है, ज़िद पे आ गए थे। तो मेरे ससुर ने बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगा। तो वो नहीं माने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है फिर फादर को शामिल किए बगैर ये शादी की थी, अपने रिश्तेदारों के थ्रू। उनके तमाम रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए थे, जो करीबी करीबी जानने वाले थे उनके, और ये बारात लेके आए थे बाकायदा, और रिश्ता लेने भी इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भेजा था, और मेरी फैमिली की तरफ से पूरा ख़ानदान इस शादी में शामिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बहनोई इस शादी में शामिल हुए थे, मेरी बहनें शामिल हुई थी, मेरे मामू शामिल हुए थे, मेरी मामी शामिल हुई थी, मेरे मामू के बेटे शामिल हुए थे, हमारे गली मोहल्ले वाले सब शामिल हुए थे, और जो है बाकायदा हमारी तरफ से ये अरेंज मैरिज थी। ये कोई लव मैरिज नहीं थी, कोई कोर्ट मैरिज नहीं थी, हाँ मेरी हस्बैंड की तरफ से ये लव मैरिज थी। और जो लव मैरिज होती हैं उनमें ये रुखसतियाँ नहीं होती हैं, उनमें फादर साथ नहीं बैठते, उनमें निकाह नहीं होता, वो तो कोर्ट मैरिज होती है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी, और उन लोगों को भी समझ आ गई होगी जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं। अब उनको पता चल गया होगा मेरी शादी कैसे हुई थी, उनको सारे जवाब मिल गए होंगे।
इसके साथ ही व्यूवर्स मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मेरा व्लॉग पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।